हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रुपेश वर्मा और स्वागत है आपका एपिसोड 57 में। आजकल स्विगी से कुछ ऑर्डर करने के बाद डिलीवरी बॉय किस लोकेशन पर है और कितनी देर में वो आप तक पहुंचने वाला है, इसकी आप रियल टाइम ट्रैकिंग कर सकते हो। लेकिन स्विगी तो एक फूड और ग्रॉसरी डिलीवरी करने वाला ऐप है, तो फिर उसके पास गूगल मैप्स जैसी सर्विसेस कहां से आ गई। लाइकवाइज अगर मुझे आज का वेदर रिपोर्ट पता करना है तो मैं जस्ट एक गूगल सर्च करूंगा और पूरे हफ्ते भर का वेदर फोरकास्ट मेरे सामने आ जाएगा। हियर अगेन, गूगल जैसी टेक्नोलॉजी कंपनी के पास मेटीरियोलॉजी डिपार्टमेंट का डेटा कहां से आ गया? सोच के देखिए। एक बात तो साफ है, इन सिस्टम्स के बीच में कोई ना कोई ऐसा चैनल है जिसके थ्रू बड़ी आसानी से क्विक इंफॉर्मेशन फ्लो हो रहा है। एब्सोल्युटली, इसे एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस या एपीआई कहा जाता है। बेसिकली एपीआई एक ऐसा इंटरमीडिएट है जिसकी मदद से दो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, आज की इस डिजिटल दुनिया में एपीआईज आर एवरीवेयर। आपके स्मार्टफोन एप्स, वेबसाइट्स और दूसरे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स को डेवलप करने में एपीआईज को एक्सटेंसिवली इस्तेमाल किया जा रहा है। और जब बात हो यूजर एक्सपीरियंस की, तो आपको तो पता ही है हाउ इट इज गेटिंग बेटर एंड बेटर विद एवरी पासिंग डे थैंक्स टू एपीआईज। एपीआईज की बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको वेकेशन की प्लानिंग करनी है। इसके लिए आप अपने मेक माई ट्रिप ऐप में जाकर अवेलेबल फ्लाइट्स, टाइमिंग और उनके फेयर को चेक कर सकते हो। एडिशनली होटल रूम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी आपको यहीं पर मिल जाएगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सभी एयरलाइंस और होटल्स के पास मेक माई ट्रिप की एपीआई है, जिसकी मदद से वो अवेलेबल सीट्स और होटल रूम्स का इंफॉर्मेशन मेक माई ट्रिप के साथ रियल टाइम में शेयर कर रहे होते हैं। रियल टाइम मतलब लाइव अपडेट। अगर कोई होटल रूम आउट ऑफ स्टॉक हो गया तो इसे आप मेक माई ट्रिप ऐप में इंस्टेंटली पता कर सकते हो। नेक्स्ट, जब आप पेमेंट स्क्रीन पर पहुंचते हो तो आपको पे विद फोन पे, जी पे जैसे कई ऑप्शंस मिलते हैं। आगे जैसे ही आप पे नाउ बटन पर क्लिक करते हो, परचेस अमाउंट के साथ एक एपीआई रिक्वेस्ट आपके सर्विस प्रोवाइडर को चला जाता है। इन रिटर्न आपका पेमेंट प्रोसेसिंग ऐप यूजर ऑथेंटिकेशन करने के बाद आपके अकाउंट में सफिशिएंट पैसा है या नहीं ये चेक करके रिक्वायर्ड फंड ट्रांसफर को प्रोसेस कर देता है। एंड फाइनली पेमेंट सक्सेसफुल या पेमेंट डिक्लाइन जैसा एपीआई रिस्पांस आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो। इस तरह डेटा को स्मूथली एक्सचेंज करना इज कूल, लेकिन व्हाट अबाउट डेटा सिक्योरिटी? अगर किसी ने इस इंफॉर्मेशन फ्लो कराने वाले चैनल को हैक कर लिया तो करोड़ों के ट्रांजैक्शंस खतरे में आ जाएंगे, और इसलिए आपको कुछ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना होगा। सबसे पहला HTTPS या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, और दूसरा SSL या सिक्योर सॉकेट्स लेयर। बेसिकली HTTPS और SSL आपके सिस्टम और सर्वर के बीच फ्लो करने वाले डेटा को इनक्रिप्ट करके साइबर अटैक से उन्हें बचा कर रखता है। मोरओवर, देयर आर एपीआई कीज जिन्हें सिर्फ XML सिग्नेचर की मदद से ही ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आज एपीआईज की मदद से आप कई सारी यूजफुल फंक्शनैलिटीज अपने ऐप और वेबसाइट में क्विकली कॉन्फ़िगर कर सकते हो, और इसके लिए आपको बहुत ज्यादा कोडिंग करने की भी जरूरत नहीं है। That's awesome, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। APIs की मदद से कंट्रोल वे में डेटा शेयरिंग के चलते कई बिजनेसेस ने अपने डिजिटल सर्विसेज को मोनेटाइज करना भी शुरू कर दिया है। मतलब APIs के थ्रू माइक्रो सर्विसेज को बड़े स्केल पर बेचा और खरीदा जा रहा है। जहां एक ओर स्टार्टअप्स अवेलेबल APIs के अराउंड अपना इनोवेटिव बिजनेस मॉडल बना रही हैं, वहीं दूसरी ओर लेगेसी कंपनीज अपने एग्जिस्टिंग सर्विसेज को APIs की मदद से पूरा नया अवतार देने में पीछे नहीं हट रही। आजकल इसे API इकोनॉमी कहा जाने लगा है।
इन APIs की एक और खास बात, अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार एक स्पेसिफिक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के लिए इन APIs को कस्टमाइज किया जा सकता है। जैसे एक बायर सेलर मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। आजकल इसमें छोटे छोटे दुकानदारों को ऑनबोर्ड करना इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क एनीमोर। इस तरह बिजनेस स्ट्रक्चर्स में ग्राउंड ब्रेकिंग चेंजेस को देखकर हमारी गवर्नमेंट ने API सेतु जैसा प्लेटफॉर्म लॉन्च करके एक बेहतरीन इनिशिएटिव लिया है। आफ्टर ऑल इट्स आर डिजिटल इंडिया भाई लोग। 21st सेंचुरी वर्ल्ड इज गेटिंग मोर एंड मोर इंटरकनेक्टेड विद एवरी पासिंग डे। पहले इंटरनेट ने लोगों को कनेक्ट किया और बाद में APIs ने सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को, और आगे जब इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ रहा है आपके मशीन्स और डिवाइसेस भी आपस में कनेक्टेड होंगे। अनसरप्राइजिंगली यहाँ पर भी APIs का बड़ा रोल रहेगा। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। एक एक्साइटिंग एपिसोड के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक कीप कमेंटिंग, कीप शेयरिंग। हैप्पी संडे, हैप्पी लर्निंग।